नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं इकरा साजिद। 17 अप्रत्यक्ष करों और 23 सेस से आज़ादी दिलाने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST लॉन्च हो गया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर GST को लॉन्च किया। सेंट्रल हॉल में इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए कई VVIP लोग मौजूद रहे। देखिए GST का दवाओं पर क्या असर पड़ा। ह्यूमन ब्लड और इसके कंपोनेंट्स पर सभी तरह की गर्भ निरोधक दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको बताते हैं कि 5% GST स्लैब्स में कौन सी दवाएं आएंगी। एनिमल या ह्यूमन ब्लड वैक्सीन, सभी तरह की हेपेटाइटिस डायग्नोस्टिक किट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, बायोकेमिक सिस्टम में काम आने वाली दवाएं जिनका ब्रांड नेम ना हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स के साथ उनके ड्रग्स और दवाएं, जीवन रक्षक दवाओं पर 5% टैक्स लगेगा जिसमें मलेरिया, HIV/AIDS, TB और डायबिटीज की दवाएं भी शामिल हैं। 12% GST स्लैब में आने वाली ये दवाएं हैं। मॉडिफाइड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, पशुओं के खून से बनने वाली दवाएं, डायग्नोस्टिक किट मटेरियल्स, यूनानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं जिनमें कंपोनेंट्स मिक्स हों, बैंडेज ड्रेसिंग्स, एडहेसिव प्लास्टर। आपको बता दें कि 18% GST टैक्स स्लैब में सिर्फ तंबाकू छुड़ाने वाली दवाएं ही आएंगी। बेबी फूड्स प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स पर 12% से बढ़कर 18% टैक्स, यानी ये भी महंगे होंगे। लेकिन खास बात ये है कि किसी दवा को 28% टैक्स स्लैब में नहीं रखा गया है। उम्मीद करते हैं GST की शुरुआत जितनी अच्छी हुई आगे भी सब अच्छा ही हो। आज के लिए इतना ही। हेल्थ से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हेल्थ केयर टुडे। हम रखें आपका ख्याल।